Hello friends, myself is Sunikumar from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ASS Tutorials. So, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में, जो कि प्योर एनसीईआरटी डिस्कशन होगा, एक क्लाइंट एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और आपको मोटिवेशनल चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपन किंगडम फंजाई। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई एक जो किंगडम है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है, फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ आ रहा है। और ध्यान रखना है जो किंगडम फंजाई है इसके मतलब हम इसके मेंबर्स को स्टडी करेंगे तो उनके मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में बहुत वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी मिलता है, ठीक है। मतलब अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और सभी का मॉर्फोलॉजी अलग अलग हैबिटेट की तरह एडप्ट है, यानी कि दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप देखते हो ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड देखते हो, ब्रेड पर यदि डेवलप हो गया मोल्ड तो किसे कारण होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, फंजाई, ठीक है, ब्रेड जो खराब हो जाता है। इसके अलावा आप मशरूम भी खा सकते हो, टोरी स्टूल जो कि फंजाई है वो ईट करते हो आप भी, ठीक है, या व्हाइट रस्ट और मस्टर्ड लीव्स देखते हो वो भी फंगस के कारण है, वो आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग, उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। और कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होता है जैसे कि ईस्ट, ठीक है, सारे फंजाई मल्टीसेलुलर ही नहीं होते हैं। ईस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है, दैट इज योर यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना कि फंजाई के साथ साथ, फंजाई तो डिजीज कर ही रहा है, साथ साथ में ये एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स होता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स होता है जैसे कि पेनिसिलिन है, बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई कॉस्मोपोलिटन है, कॉस्मोपोलिटन मीन्स जो हर जगह रहे, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह रहे, एयर वाटर सॉइल एनिमल प्लांट हर जगह रहे, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि ये ग्रो कहाँ करते हैं, तो इनके ग्रो के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट होता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यदि है कहीं पर तो वहां पर फंजाई ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पर फंजाई ज्यादा ग्रो करता है और फंजाई से ह्यूमंस भी इफेक्टेड होते हैं, देखते हैं फंगल डिजीज होता है। यदि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट कहीं पर है तो वहां पर आपको फंगल डिजीज मिलने को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप जानते हो, इसलिए चूंकि ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में फंजाई अच्छा ग्रो करते हैं, इसलिए हम लोग फंजाई से बचाने के लिए सामान को कहां रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर यदि है तो वहां कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड में तो अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा फंजाई, बात समझ आ रहा है ना, इसलिए हम लोग कोल्ड में रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, यदि आप ईस्ट को छोड़ दें, ठीक है, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, तो बाकी रेस्ट जो है वो फिलामेंटस हैं, ठीक है, फिलामेंटस एंड मल्टीसेलुलर होंगे बाकी वाले। इसके अलावा इनके जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको बोलते हैं हाइफी, हाइफी से इनका बॉडी बना होता है। हाइफी क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही यूनाइट होकर माइसिलियम बनाते हैं और उससे फिर अपना फंजाई बनता है, ठीक है भाइयों। चलिए तो ध्यान रखना आपको नेटवर्क ऑफ हाइफी, एक थ्रेड को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइफी, नेटवर्क ऑफ थ्रेड को क्या बोल देंगे हम लोग, माइसिलियम। तो एनसीईआरटी में लाइन भी दिया है कि द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज, तो आपको क्या आंसर देना भैया, माइसिलियम, ठीक है। इसके अलावा कुछ हाइफी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कि उनमें कोई सेपरेशन नहीं होता, जैसे मान लीजिए हाइफी है तो मल्टी न्यूक्लियेट, मतलब कोई सेपरेशन नहीं है एक सेल के बीच में दूसरे सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो गया, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म बोलेंगे इसको, बात समझ में आ रहा ना। और यदि मल्टी न्यूक्लियेटेड है तो इनको एक और नाम देते हैं हम लोग, सिनोसाइटिक, ठीक है, क्या नाम देंगे, सिनोसाइटिक हाइफी है ये, मल्टी न्यूक्लियेटेड को क्या बोल देंगे, सिनोसाइटिक हाइफी है। तो सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियेटेड ओके मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। और कुछ में क्या होता है, कुछ में क्या होता है कि सेप्टेड प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ऐसे सेप्टेड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस एक ही में होगा, एक एक न्यूक्लियस, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, यूनि न्यूक्लियेटेड के, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए आपके यूनि न्यूक्लियेटेड के, बस समझ रहा ना, तो ध्यान रखना आपको। तो ये पूछा जाता है, ये डिस्कस भी करेंगे कि इसमें क्या मिलता है, तो अभी बस जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं अपन। इसके अलावा ये जो अभी बताने जा रहे हो काफी मोटा सेल वाला फंजाई, ये पूछा जाता है कि सेल वाला फंजाई किससे बना होता है, तो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एलन के टेस्ट या जो भी आप दोगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बना होता क्या आपका फंजाई का सेल वाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जो मोस्ट फंजाई आपका कैसा ही नेचर है, हेट्रोट्रॉफिक है, मैक्सिमम जो फंजाई है
वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है, एब्जॉर्ब करता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें भी हेटरोट्रॉफिक में मेनली वो क्या है, सेप्रोफाइट, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपना खाना बना खाता हो, ठीक है, सेप्रोफाइट्स। इसके अलावा सेप्रोफाइट्स के अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो कि प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होंगे अपने लाइवलीड को कैरी करने के लिए। कुछ आपके सिम्बायोन्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है, वो पता ही है सिम्बायोन्ट्स। इसमें भी दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, पहला लाइकेंस जो कि अलगी के साथ फंजाई का रिलेशन है, और दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा फंजाई का रिलेशन है लेकिन हायर प्लांट्स के साथ है, ठीक है। तो हायर प्लांट्स के साथ यदि फंजाई का रिलेशन हो दैट विल बी नोन एज माइकोराइजा, अलगी के साथ हो तो दैट विल बी नोन एज लाइकेंस, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि फंजाई जनरली कैसे हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में भी सेप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, सिम्बायोन्ट्स भी हैं, ठीक है। माइकोराइजा, लाइकेंस, दो एग्जांपल, माइकोराइजा का रिलेशन हायर प्लांट्स के साथ, फंजाई का हायर प्लांट के साथ रिलेशन है तो माइकोराइजा, और अल्गी का रिलेशन है तो लाइकेंस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अपन, उसका जाएंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई पर। तो जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई है ये आपका वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स से होगा, वेजिटेटिव मीन्स से भी होगा, ठीक है। अब वेजिटेटिव में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो पहला होगा फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, या फ्यूजन हो सकता है, या बडिंग हो सकता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, और बडिंग भी हो सकता है। उसके अलावा ये तो वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाई स्पोर्ट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, बाई द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स विच आर मे बी कोनिडिया, ठीक है, और स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ होगा ये सब, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स या आपको जू स्पोर्ट्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स हो सकता है, दैट स्पोर्ट इन वो स्पोर्ट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वो स्पोर्ट्स हो गया, या एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे तो एस्को स्पोर्ट्स उसका, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे तो बेसिडियो स्पोर्ट्स, मतलब जो क्लास नाम होता है ना क्लास, उसी पर स्पोर्ट्स के भी नाम होंगे सेक्सुअल स्पोर्ट्स के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर्ट्स से हो रहे हैं वो माइसिटीज में है तो वो स्पोर्ट्स, अस्कोमाइसिटीज में अस्को स्पोर्ट, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कर लोगे आसानी से, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर एंड जू स्पोर, ठीक है, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जू स्पोर। जबकि सेक्सुअल स्पोर्ट क्या क्या है, वो स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स एंड योर बेसिडियो स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपन, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब जो सेक्सुअल साइकिल चलता है इसमें फंजाई मोस में तीन स्टेज होते हैं, ये पूछा जाता है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, और तीसरा होता है मियोसिस। ये सिंपल सा भी समझ भी सकते हैं आप। प्लाज्मोगेमी मीन्स पहले होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, सही बात है। प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म, तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, जैसे मान लीजिए दो सेल है, ठीक है, दो सेल फ्यूज होंगे तो बड़ा सेल हो गया, इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, एक सेल का न्यूक्लियस, ये दूसरे सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, कैरियोगेमी, मतलब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूज करने के बाद जो आपका जाइगोट बना है, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, और उससे क्या प्रोडक्शन होगा आपका, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स, क्योंकि मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड स्पोर्स ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये जनरल मैकेनिज्म होगा आपके सेक्सुअल साइकिल का, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है कि भाई जो फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो टू हैप्लॉयड हाइपी होगा, ठीक है। तब सेक्सुअली में क्या होगा, फ्यूजन होगा ना, दो मतलब एक हाइपी, ये दूसरा हाइपी, ये भी एन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो एनसीडी क्या लिखती है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉयड हाइपी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंगी, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एन, दैट इज डिप्लॉयड सेल। कुछ में तो डायरेक्टली टू एन बन गया, कुछ में क्या होता है, कुछ में मतलब जिसमें इसमें एस्कोमाइसिटीज एंड योर बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, कि एक बीज का स्टेज आ रहा है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज, नाम से पता लगा लोगे, नाम से ही पता लगा लोगे, डाई मीन्स दो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो यहाँ पर, ठीक है। डाई मीन्स दो और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस का कम से कम प्रेजेंट हो, दो न्यूक्लियस का प्रेजेंस हो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलें, डाई कैरियोटिक, तो डाई कैरियोटिक किसमें देखने, किसमें देखने, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें क्या हुआ, सेल जो
फ्यूज हुआ था उसमें जो एन एन न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हुआ, अभी अभी अपना फ्री फ्री रहेगा, तो ये एन प्लस एन स्टेज देखने को मिलेगा। जबकि और सब में क्या होता है, ये तुरंत फ्यूज करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है, जो कि टू एन का होगा। तो यहाँ ये डाइकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ मिला है, दो न्यूक्लियस मिल रहा है और दोनों एन एन का, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। इसी को बोलते हैं डाइकैरियन एंड द फेज इज डाइकैरियोफेज, ये बहुत पूछा जाता है भैया, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अब कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है किंगडम का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो हुआ है, मतलब इसमें जो क्लासेस आए हैं वो आए हैं, पहला तो ध्यान रखना आपको हर क्लासेस में पता करना चाहिए कि माइसेलियम कैसा है, ए सेप्टेड है कि सेप्टेड है, ठीक है, उसी में पता से करा सकते हो कि मल्टी न्यूक्लियोट होगा कि यूनि न्यूक्लियोट होगा। इसके अलावा आपको पता करना है जो स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है, ठीक है, कैसे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा पता करना आपको कि ये और तीसरा पता करना है फ्रूटिंग बडीज के बारे में, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या पता करना आपको, फ्रूटिंग बडीज के बारे में, ये तीन क्या है बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम फंजाई, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज। अगले में सबसे पहला पॉइंट, जो भी मेंबर्स होंगे फाइकोमाइसिटीज के, चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है, अगले वीडियो में और जो तीन क्लासेस बच जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फाइकोमाइसिटी में जो पहला है, पहला क्या है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं ये मिलने, ठीक है, इंपॉर्टेंट में सिंपल सा ही है, आपको मिलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट मिल सकते हैं या आपको डिकेइंग वुड पर मिल सकते हैं, ठीक है, जो लकड़ियाँ सड़ रही होंगी उस पर मिलेगा आपको, या मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर मिलेगा आपको, ठीक है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर मिलेगा आपको, या ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी मिल सकता है, यानी कि चार 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 तरीके हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकता है आपको, डिकेइंग वुड पर मिल सकता है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में मिल सकता है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह प्लांट और एनिमल्स में मिल सकता है। अब जो क्वेश्चन आने वाले पॉइंट है इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन आने वाले पॉइंट सबको, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से लेते हैं, जो जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्या है कि इसमें जो माइसेलियम होगा वो कैसा होगा, एसेप्टेड, ठीक है, एसेप्टेड। अब एसेप्टेड मींस सेप्टा क्या है, एसेप्टेड का मींस सेप्टा क्या हो गया, अबसेंट, सेप्टा अबसेंट है तो कंडीशन क्या होगा आपका, सीनोसाइटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लियेटेड, मतलब सेप्टा नहीं है तो भाई न्यूक्लियस ऐसे ऐसे, सेप्टा रहता क्या होता है, सेप्टा क्या होता है, एक न्यूक्लियस बढ़ जाता है, एक एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो पहला बात है कि एसेप्टेड होगा, एसेप्टेड होगा कैसा होगा, सीनोसाइटिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइकोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड जो क्वेश्चन आ सकता है ये ध्यान रखना आपको, सेकेंड जो क्वेश्चन आ सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर्स होता है, तो हमने डिस्कस भी किया था जू स्पोर्स, ठीक है, और इसमें एक और स्पोर्स होता है दैट इज एप्लेनो स्पोर्स, ठीक है, ये दो स्पोर्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइकोमाइसिटीज में। जू मतलब नाम से क्लियर है, ये कैसा होगा, मोटाइल होगा, ठीक है, एप्लेनो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मोटाइल स्पोर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फाइकोमाइसिटीज में, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, जू स्पोर्स एंड एप्लेनो स्पोर्स। इसके अलावा आ गया ये अगला क्या है कि इसमें गैमिट्स जो होंगे, ठीक है, वो कैसे कैसे होंगे, तो देखिए इसमें आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, उगेमस भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना आप, ठीक है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, उगेमस भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स का मैंने ट्रिक अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से एग्जांपल्स देख सकते हैं ट्रिक, ठीक है, ट्रिक फॉर बायोलॉजी वाले प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ। एग्जांपल क्या है इसका, म्यूकोर है, ठीक है, इसका क्या है राइजोपस है, इसके बाद क्या आपका अल्बिगो है, ठीक है, म्यूकोर राइजोपस ही तो ब्रेड मोल्ड कहलाता है, और अल्बिगो ये पैरासाइटिक फंजाई है जो कि कहाँ मिलता है आपको, मस्टर्ड प्लांट पर देखने को मिलेगा, ये हमने डिस्कस किया भी है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वाचिंग, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।